गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग क्रेश बिवीक माया पाटिल यू क्रेश सिद्धांत जयेश तेजस संजीवनी जितने गुड मॉर्निंग बोलते ना इतने क्वेश्चन के आंसर नहीं देते तुम लोग कुछ बच्चों के नाम है इसमें मतलब जो बस गुड मॉर्निंग तेरू बोलते हैं बट क्वेश्चंस के आंसर नहीं देते हैं बात सही बोली ना मैंने हम्म चलो ठीक है तो आज डीपीपी नंबर कौन सी सॉल्व करनी थी नाइन फोर्टीन अच्छा थर्टीन तक हो गई थी ना डीपीपी सॉल्व ओके 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 तो जैसे लास्ट टाइम सॉल्व किया था वैसे ही निकाल लेना ज्यादा अच्छा रहेगा ना हाँ जैसे तुम्हें तो तुमको भी डीपीपी नहीं ढूंढनी पड़ती तुम्हारा भी काम हो जाता है रुक जाओ बस मैं ओपन कर लू पहले एक बार चलो 13 तक हो गया था 14 से स्टार्ट करना है डीपीपी 14 दिख रहा है सबको हम दिख गया दिख गया है तो इसका मतलब सिंपल सा क्वेश्चन कितने हैं टोटल इसमें क्वेश्चन देखता हूं टोटल क्वेश्चन कितने हैं इसके hmm. चलो भाई टोटल सोलह क्वेश्चन है तो सबसे पहले जो डाउट है ना क्वेश्चन नंबर वन से फाइव एक एक करके एक एक करके भाई डाउट तो, नंबर hmm. थ्री ज्यादा है लोगों का थ्री एंड फाइव थ्री राउट है और फाइव थ्री फाइब, थ्री फाइब, अरे सिद्धेश पता तो मैं से फाइब में फाइब आता, ना से में आता आता ना बाहर है है अब चलो, अब चलो डाउट नंबर सिक्स से टेन सिक्स और टेन लगता सबकी कॉमन डाउट है इस बार ग्यारह से पंद्रह ग्यारह से सोलह आठ तेरह पंद्रह सोलह आठ तेरह थर्टीन फिफ्टीन और सिक्सटीन इसके अलावा कोई डाउट डी पी फोर्टीन में इसके अलावा कोई डाउट है क्या नहीं है चलो ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर आते हैं सबसे पहले थ्री पर पूछा गया है सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा देखो सबसे पहले के की बतानी मतलब किसकी देखो एक चीज तो हिंट में लिखी थी ना नीचे आंसर में क्या की जिसके लिए के ज्यादा होगा मतलब मैं तब भी बता देता हूँ एक बार आपको कि जो एसिडिक करेक्टर होता है आप लोग तो नोट कर लेना ये वैसे बताया था कि एसिडिक करेक्टर होता प्रोपोर्शन होता के, के और इनवर्सली होता है पी के ए के ठीक है ना मतलब एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा है मतलब के की वैल्यू ज्यादा होगी अब जैसे क्वेश्चन नंबर थ्री आता है देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है थ्री क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है कि देखो तो यहाँ कहीं से तो एच जाएगा नहीं एच कहा से जाएगा इस पोजीशन से एच जाएगा ना और सपोज इसने एच प्लस जाएगा तो यहाँ पे चार्ज आएगा कौन सा निगेटिव आएगा ना एच प्लस जाने के बाद और यहाँ से एच प्लस जाएगा तो यहाँ पे चार्ज नेगेटिव आएगा अब भाई चेक कर लो देखो सिंपल सा है यहाँ पे नेगेटिव आ गया और नेगेटिव आ गया अब चेक करो भाई कि विच आर मोर स्टेबल किसका कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है बताओ जल्दी से किसका कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होगा एच प्लस जाने के बाद हम्म बताओ बेटा वही तो मैं जानना चाह रहा हूं। अच्छा वही तो तुमको डाउट है प्रथमेश आदित्य खलकर बेटा तुमने आंसर दिया बी का है कैसे बी ज्यादा हो गया कुछ आइडिया है या फिर तुक्का चल रहा है ये आदित्य बेटा जवाब दो यदि पता हो जवाब दो ना पता हो तो ऐसी कोई बात तो वो नहीं है वो तो आ, अपने आंसर दिया तो पूछ लिया मैंने और किसी के पास इसका आंसर है क्या वाई वी मतलब भाई मैं तो बता ही रहा हूँ कि बी का कॉन्जुगेट बेस जो होगा वो मोस्ट स्टेबल होगा मतलब जो बी है वो क्या है अच्छा एसिड है मतलब सिंपल सी बात है बी की जो वैल्यू है वो ज्यादा होगी किससे ए से ठीक है ना और आपको ये तो वैसे लॉजिक सबको पता होगा ना कि एसिड का कॉन्जुगेट वेस यदि स्टेबल है तो रिस्पेक्टेड एसिड कैसा होगा स्ट्रोंग होगा मतलब कि ए की वैल्यू क्या होगी हाई होगी उसके लिए अब देखो वो मैं बताने वाला हूँ बी में कॉन्जुगेट एसिड स्टेबल कैसे हो अरे बोई अबे गधे हो क्या सीरियस कॉन्जुगेट बेस बोल एसिड का कॉन्जुगेट बेस बनता है कॉन्जुगेट एसिड नहीं बनता कभी भी अब देखो मैं बताता हूँ यहाँ पर चेक करोगे तो ये रिंग एरोमेटिक है ये रिंग एरोमेटिक है और ये रिंग एरोमेटिक है और ये बीच वाली रिंग भी एरोमेटिक हो जाएगी होगी या नहीं होगी और आप नॉर्मली कर भी सकते हो ठीक है ना मतलब यदि आपको कंपेयर करना हो तो कंपेयर कर लेना इस तरीके से देखो कहीं भी बनवा देना कोई फर्क नहीं पड़ता है ठीक है ना तो सेम यहाँ पे तो सेम एक बिल्कुल इक्वल बांधता हूं वैसे कुछ लोगों को तो आंसर समझ में आ ही गया होगा वाई यहाँ पे देखो सभी रिंग एरोमेटिक हैं ये भी एरोमेटिक ये एरोमेटिक ये भी एरोमेटिक जबकि यहाँ पे तो केवल ये चार एरोमेटिक हैं केवल तो एरोमेटिसिटी ज्यादा किसमें में है बी वाले में एरोमेटिसिटी ज्यादा होगी ना एच कंपेयर टू ए के प्रथमेश सलोनी और भी सिद्धेश सार्थक प्रणव सिद्धे आदित्य वेदांत प्रणव सबको समझ में आया आयुष कुंडे की माया पाटिल और भी बच्चे मतलब तो जिसका नाम नहीं मतलब तो बच्चे ज्यादा हैं तो बस कमी बच्चों का नाम ले पा रहा हूं मैं आ, अरे अच्छे लोगों को भूल ही गया भावेश कैसे हो सकता है मतलब देखो बीच वाली रिंग कैसे ऑरोमेटिक होगी तो आप सोचो ना कि बेटा यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन ये होंगे दो ये चार हो जाएंगे और ये कॉन्जुगेशन हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ बॉन्ड यहाँ पे भी तो होता है तो कैसे भी वो कॉन्जुगेशन रहेगा ना तो आप यहाँ पे भी तो बॉन्ड शिफ्ट कर सकते हो ना एक पूरा फुल टू फुल मतलब कॉन्जुगेशन चलेगा यहाँ से लेके यहाँ पूरी रिंग तक ठीक है ना सलोनी पूर्वाशनी हम्म ठीक है क्वेश्चन नंबर फाइव पे आ जाओ एक क्लास में कराया क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव कैसे भूल यदि याद हो तो ये नोटबुक में क्वेश्चन करवाया था मैंने याद आया कुछ यहाँ पे कौन सा ग्रुप है ईस्टर ग्रुप है और यहाँ पे वन थ्री कीटो ग्रुप है और सोचो आपको मैंने बताया था ना वन थ्री वाला जो केस होता है वो मोस्ट मोस्ट एसिडिक होता है बताया था ना मैंने कीटो वाला जो ग्रुप होता है वो मोस्ट एसिडिक देता है क्योंकि चार्ज ऐसे यहाँ पे आएगा मतलब बना के देख लिया करो मतलब ऐसी कुछ बात नहीं है कि रटी लो आप तो निगेटिव यहाँ पे लगा के देख लो निगेटिव यहाँ पे लगा के देख लो क्योंकि एच प्लस जाएगा कौन सा निगेटिव मोर्च थे तो ऑबियस बात है दिस नेगेटिव और मोस्ट स्टेबल इट मींस क्या हो जाएगा ए ज्यादा एसिडिक होगा यदि ए ज्यादा एसिडिक है मतलब के की वैल्यू ए की ज्यादा होगी और पी के भी किसका ज्यादा होगा पी के ए किसका ज्यादा होगा बी का ज्यादा होगा और जबकि के ए का ज्यादा होगा अपोजिट होगा हमेशा वो ठीक है ना चलो क्वेश्चन नंबर सिक्स सेम क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन जैसा मैं बता रहा था आप लगाओ ना निगेटिव ये नेगेटिव मैंने यहाँ पे लगाया अच्छा कुछ बच्चों को कुछ मतलब ऐसा भी हो सकता है कि सोचते सर यही सोचतेगेटिव क्यों लगा रहे हो आप यहाँ पे निगेटिव लगा दो यहाँ लगा दो तो यदि याद हो तो आपको एक चीज और सिखाई थी मैंने कि एसिडिक क्या ना पूरे कंपाउंड में सबसे ज्यादा एसिडिक जो पोजिशन होती है वहीं से एच जाएगा ना याद ही क्वेश्चन ऐसे करवाए थे कि यहाँ पे एच ए है फिर <coughs> ये एच बी है फिर ये एच सी है तो कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा तो जो ज्यादा एसिडिक होता है ना इतना आइडिया है तो सबसे ज्यादा एसिडिक एच की बात करते हैं हमेशा कम वाले की बात ही नहीं करेंगे हम लोग कभी तो ऑबियस बात है ए वाले में दो, दो कीटो है यहाँ पे दो कीटों बट एक्स्ट्रा ये इफेक्ट डाल देगा ना एक्स्ट्रा माइनस एम का इफेक्ट ये डाल देगा ना और जब एक्स्ट्रा माइनस एम का इफेक्ट डाल देगा तो ऑबियस है ना कि ए ज्यादा हो जाएगा फिफ्थ में ए में क्रॉस कॉन्जुगेशन हो सकता है क्रॉस कॉन्जुगेशन कहाँ पे लगा रहा है भाई अबे इस ग्रुप का माइनस एम है इस ग्रुप का भी माइनस एम है दोनों इलेक्ट्रॉन खींचेंगे बेटा तो कम हो जाएगा माइनस चार तो बिल्कुल हट जाएगा कहाँ सो रहे हो भाई ये समझ में आ गया और ये माइनस भी माइनस भी माइनस तो केवल दो माइनस इसके तीन माइनस ठीक है अब तो कोई डाउट नहीं इसमें चलो ठीक है क्वेश्चन नंबर एट में विच हैज़ द मोर टेंडेंसी टू गिव द ऑफ एच तो यार ये तो वैसे ना ही पूछो ज्यादा अच्छी ये अल्कोहल है बेटा वो अमाइन है बताओ कौन एसिडिक होता है यार ये तो जैसे ज्यादा जानने और पैसे होती नहीं है ना अल्कोहल और अमाइन में कौन ज्यादा एसिडिक भाई अमाइन तो बीस करता है ना तो अभी इस बात है मोर एसिडिक अभी और द वे आप कंपेयर करना चाहते हो तो कंपेयर करके देख लो ना एच जाएगा चार्ज ऊपर निगेटिव आएगा यहाँ पे एच जाएगा एन के ऊपर निगेटिव आएगा तो निगेटिव किसके ऊपर स्टेबल है ओ के ऊपर रस्टे है ना एज कम्पेयर टू के ना समझ में आ गया कोई डाउट किसी बच्चे को चलो अब आप क्वेश्चन नंबर टेन यार क्वेश्चन नंबर टेन तो मैंने आपको यदि याद हो तो इंडक्टिव इफेक्ट में सिखाया था ये क्वेश्चन करना जो पूछ रहा है ना उसने इंडक्टिव इफेक्ट सही से पढ़ा नहीं है और नोट्स को फॉलो नहीं किया क्योंकि नोट्स में मैंने यही क्वेश्चन करवाया था जो सामने लिखा है यहाँ सीएल का माइनस आई लग रहा है यहाँ पे सीएल का माइनस आई लग रहा है तो ऑब्वियस है ना ठीक है और साथ में एक काम वो करना है यहाँ पे ये लगा रहा, क्या रहा? है क्या लगा साथ में प्लस आई भी लगा रहा है तो आप लोगे, तुम्हें कर ही मैं क्लास में करवाया क्वेश्चन है मेरा तो लेकिन जहां तक मुझे लगता है आंसर गलत दिया है इसमें ये आंसर क्या दिया है इसका ए दिया है गलत है बी होगा ज्यादा एसिडिक इसमें होगा बी ज्यादा एसिडिक होगा अच्छा एसिड आउट पूछा हाँ नहीं बी ज्यादा एसिडिक है ए से ये करेक्शन कर लेना ठीक है क्वेश्चन नंबर थर्टींथ पे आ जाओ थर्टींथ वाला लॉजिक भी इस तरीके से है जैसे लास्ट टाइम था कि यहां से H जाएगा तो ये बनाएगा क्या C ट्रिपल बॉन्ड ऑफ सी एच माइनस और ये बनाएगा कि आपका बेटा एनएच टू माइनस और आपको एक चीज सिखा चुका हूं मैं और शायद एम के सर ने भी बताया होगा एस पी हाइब्रिड कार्बन आर मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन नाइट्रोजन तो नेगेटिव चार्ज ऊपर स्टेबल ज्यादा है इस क्यूपेसिटेबल मतलब ये यदि स्टेबल है तो ऑब्वियस है ना कि ये ज्यादा एसिडिक होगा इस वाले से ना ठीक है, पंद्रह हो गया मत बताए ऐसा सेम क्वेश्चन क्लास में करवाया था नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ सिक्सटीन क्वेश्चन किसका डाउट है ये क्लास में कराया क्वेश्चन है मेरा यहां पे था यहाँ पे इथाइल है यहाँ पे मिथाइल है बताओ सी एस थ्री और यहाँ पे सी एस टू सी एस थ्री किसका प्लस आई बहुत अच्छा होता है बताया था ना कि भाई प्लस आई जो होता है इथाइल का प्लस आई ज्यादा बेटर होता है किससे मिथाइल से यदि होगा तो ऑब्वियस बात है एसिडिक ज्यादा कौन होगा ये एसिडिक होगा ना इससे चलो आओ बताओ भाई क्योंकि प्लस आई एस्टिकेटो क्या करता है कम करता है ठीक है आप तो कोई डाउट नहीं इसको किस, किसी बच्चे को डीपीपी में ना तो डीपीपी नंबर फोर्टीन कंप्लीट हो गई हमारी चलो ओके अब पी नंबर पंद्रह फिफ्टीन दिखा लो वन टू फाइव 3 and 4 next 6 eight, 10 6 थोड़ा तो लैग हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है हमारी तब से लेग हो रहा है कि आपके आपके एंड से लेग हो रहा है बेटा नहीं मेरी आवाज में बेटा बंद बोलना बंद कर देता हूँ लेग कुछ नहीं हो रहा है प्रॉपर चल रहा है साउंड है ना मैं रुक जाता हूँ केवल बाकी तो सब सुनाई दे रहा है मुझे आपका हर चीज दिखाई दे रहा है सिक्सटीन हो गया डाउट में नेक्स्ट एटीन नाइनटीन अरे सब पूछ लिया तुमने तो यार और कुछ बचा है कि नहीं बचा है इधर से भाई लो भैया नाइनटीन भी हो गया और ट्वेंटी भी हो गया डाउट में पंद्रह गया चलो अब तो हो गया डाउट सारे चलो भाई अब आ जाओ डी क्वेश्चन नंबर थ्री पर तो थ्री में ऑर्थो इफेक्ट लगेगा अरे ऑर्थो हाँ ऑर्थो इफेक्ट ऐसा यार लगाओ ना ऑर्थो इफेक्ट को पूरा प्रोपरली डिफाइन करो ना वेदांत मालपुर बेटा यहाँ पे ऐसा यार लगेगा ना यहाँ पे और मैंने पहली कहा था यदि कार्बोक्सिलिक एसिड में एस आई आर लगता है तो एसिडिक बढ़ जाता है तो ऑबियस बात है ये ज्यादा ना बताओ क्वेश्चन नंबर सबको समझ में आया क्या जिसको डाउट थी उसको क्लियर होगा किस तरीके से मैंने क्या कहा था ऐसा या लगा तो आंखें बंद करके लगा देना एसिडिक ज्यादा है हाँ नंबर फोर पे आ जाओ देखो ये चीज समझाऊ इसमें यहां पे है ये हाइपर कॉन्जुगेशन मतलब ये क्या कर रहा है प्लस एच लगा रहा है इधर से और आपको पता है प्लस एच का काम ही क्या होता है एसिडिक को कम करता है एसिडिक को कम करेगा बट बट देखो ना ये क्या है बेटा फिनॉल ये क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड यहां तो बेटा बिना डाउट के कुछ दिमाग लगानी नहीं कि कार्बोक्सिलिक एसिड आर मोर स्ट्रॉन्गर एसिड देना फिनॉल कोई भी कम कर दे लेकिन फिनॉल से कम थोड़ी हो सकता है समझ में आया क्वेश्चन नंबर फोर समझ में आ गया बट प्लस एस तो बेटा प्लस एस लग रहा है बट फिनॉल और एसिड में देखो यदि कोई एसिड ही होता बगल में तो अब इस बात ही कम हो जाता है लेकिन ये तो फिनॉल है ना फिनॉल की आ रहा है ना मेरा साउंड अरे आ रही होगी यार आवाज मेरी आज थोड़ा सा हाँ मेरा माइक भी थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है चलो चलो ठीक है क्वेश्चन नंबर फोर क्लियर हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स सिक्स वाला तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है यार ये क्या है एन आर थ्री का माइनस आई लगता है और ये सी एन का भी माइनस आई लगेगा यहाँ पे क्योंकि नहीं है तो दोनों में किसका माइनस आई अच्छा होता आपको है आपको सिखाया था एन आर थ्री प्लस माइनस आई बहुत अच्छा होता है ऑबियस तो बात है कि दिस इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गर देन ऑफ दिस ठीक है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व सेम देखो क्वेश्चन क्लास में करवाया क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व ये नोटबुक में करवाया मैंने ये यहाँ लगाओ ना माइनस और यहाँ लगाओ माइनस यहाँ दोनों साइड क्या है साइनाइड है यहाँ पे साइड नाइट्रो साइड क्या है साइनाइड है तो अब ऑबियस साइनाइड से साइनाइड बराबर हो गया नाइट्रो का ज्यादा हो जाएगा ना माइनस एम तो बी ज्यादा हो गया ना ये से सेम लॉजिक थर्टींथ में लगाओ ना ये है एक्टिविथ यहाँ पे और यहाँ पे भी कीटो और में किसका माइनस एम बेटर होता है देखो आप समझ जाओ सारे क्वेश्चन किस तरीके सॉल्व हो रहे हैं सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो रहे हैं माइनस एम के ऑर्डर से सॉल्व हो रहे हैं केवल बी आर मोर एसिडिक देन ए अब आ जाओ यहाँ पे इस वाले केस में याद है इस वाले इलेवेंथ क्वेश्चन में बी होना चाहिए ना नहीं होना चाहिए बेटा इलेवेंथ में ए आएगा आंसर रीजन है ना आयुष यहाँ नेगेटिव लगाओगे और यहाँ नेगेटिव लगाओ पहली बात तो एक जगह नेगेटिव देखो रुक जाओ नेगेटिव जो है ना इस वाले में बी वाले में कहा पे आएगा नेगेटिव यहाँ पे आएगा इसका तो लगेगा माइनस एम जबकि इसका लगेगा माइनस आई लगेगा जबकि यहाँ पर दोनों के माइनस एम लगेंगे तो माइनस एम का भी, भी अच्छा होगा ना माइनस आई और माइनस एम से ना समझो नोट करते हैं ना जिस तरीके से मैं लिख रहा हूँ ना ऐसे आप, तो आप, आप लोग भी अपनी डीपीपी में लिख लिया करें कोई डाउट आयुष हम्म दो मिनट होना ना बेटा थोड़ा सा साउंड मेरी आवाज आ रही ना प्रॉपर देखो थर्टींथ वाले में क्या बताना थर्टींथ में दोबारा क्या बताना फिर से बताओ मुझे तुमको समझ में नहीं आ रहा ईस्टर ग्रुप लगा है ये ईस्टर ग्रुप लगा हुआ है ये कीटो है और ये कीटो है तो कीटो का माइनस एम बेटर होता है ईस्टर से आंसर आ गया लो और क्वेश्चन नंबर फोर्टीन में देखो फोर्टीन वाले में आप देखो सिंपल सा ये कार्बन है और ये यहाँ पे इसके कंपेयर में ना यहाँ पे लगाओ माइनस ठीक है और यहाँ लगाओ माइनस तो आपको यह पता होना चाहिए सी एन का चाहे माइनस आई का हो चाहे माइनस एम का हो दोनों ही बेटर होते फ्लोरिन से होते कि नहीं होते हैं और जब होते हैं तो ऑब्वियस बात है ना कि ये ज्यादा हो गया अभी से ना हाँ फिफ्टींथ क्वेश्चन देखो वही बताओ कौन सा आंसर सही होगा थ वाला कौन बताएगा ज्यादा हो जाएगा सही है बस ठीक है पता है तो फिर क्या दिमाग लगाना किसने पूछा था भाई ये जिसने पूछा उसको समझ में आया कि नहीं आया ठीक है बाकी देखो तो क्लास में कराया क्वेश्चन यार एच निकाल दो ना यहाँ से एच जाएगा चार्ज निगेटिव आएगा और यहाँ से एच जाएगा तो चार्ज नेगेटिव आएगा ये बन जाएगा तुम्हारा क्या एरोमेटिक जब ये क्या बन जाएगा एंटी न, ये बनेगा एंटी एरोमेटिक तो एरोमेटिक आर मोर स्टेबल देन एंटी एरोमेटिक लो आंसर आ गया सिक्सटीन थी भी क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन जिसने पूछा था उसको समझ में आया क्या क्वेश्चन नंबर एटीन सेम क्वेश्चन यहाँ लगाओ माइनस यहाँ पे आएगा ना और कहीं से जाएगा नहीं और यहाँ पे ये लगाएगा माइनस अब देखो यहाँ पे पहले तो साइन ये ट्रिपल बॉन्ड का माइनस आएगा भाई ये यहाँ पे क्या करेगा ये लगा रहा है यहाँ से माइनस एम और ये लगा रहा है माइनस एम ये भी लगाएगा मतलब बट यहाँ तो देखो कितना बेहतरीन बन रहा है देखो यहाँ से आप समझ में आया कि कब क्रॉस कॉन्जन लगाया जाता है कब कॉन्जेशन लगाया जाता है मतलब डायट बताया जाता है यहाँ पे होता है यहाँ पे कह सकते हो कि ये ज्यादा बेटर है क्योंकि इफेक्ट बराबर है ना दोनों साइड में तो अब यहाँ लगाओगे कंफ्यूजन है ना यहाँ कन्फ्यूजन क्या है यहाँ पर हाँ इसलिए समझ में आ गया ना ये ज्यादा हो जाएगा बी से अरे सब बच्चों को ये चीज समझ में आई क्या क्वेश्चन में ना देना Cross -conjugation और continuous -conjugation. A में continuous -conjugation है, B में में। है, है। अब आ जाओ, question number 19th में. 19th, 19th वाले question आप कहीं से भी स्टार्ट कर दो बात वही पड़ेगी क्योंकि आप यहाँ लगाओगे माइनस और यहाँ क्यों लगाओगे आप एसिड ग्रुप है ना ये तो अच्छा एक काम करो रुक जाओ रुक जाओ यार ये चीज तो तुमको ना मैंने ज्यादा ही बढ़ गए अपन लोग एसिडिक के सब में मिथाइलिन ले रहे नहीं नहीं यहाँ यह ये मतलब ये नहीं लगेगा लॉजिक लॉजिक गलत लग गया थोड़ा सा रुक जाना रुक और देख ले कहीं पे तो नहीं कहीं और लग गया हो ऐसा नहीं और कहीं नहीं यहीं पे हुआ देखो इस वाले क्वेश्चन में हाँ ओएच का एच निकालना था एक्चुअली ये मुझे ये माइनस यहाँ पे आया और एच जाएगा तो माइनस यहाँ पे आएगा और सेम क्वेश्चन यहाँ पे माइनस आएगा और ये माइनस आएगा यहाँ पे ठीक है अब देखो यहाँ पे ये ट्रिपल बॉन्ड का माइनस आई लगता है इसका भी क्या लगेगा और ये तो सिंपल सा इलेक्ट्रॉन ले लेगा ना ये लगाएंगे दोनों माइनस आई तब भी बेटा ए ज्यादा होगा बी वाले डिस्टेंस के साथ इफेक्ट कम हो जाता है और सेम लॉजिक यहाँ पे है यहाँ पे ये माइनस आई लगा रहा है और ये एस पी टू हाइविड माइनस आई लगा रहा है तो ऑब्वियस बात है किसका माइनस आई अच्छा होता है फिनाइल का माइनस आई अच्छा होगा ना अल से बच्चों समझ में आया क्या और क्वेश्चन नंबर ट्वें ट्वेंटी भी इस तरीके से तो क्लास में कराया क्वेश्चन है सीसीएल थ्री माइनस और सी एफ थ्री माइनस तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे निगेटिव चार्ज बैक एंड डी ऑर्बिटल के साथ कॉन्जुगेट में है तो गेट भी होगा हो गए चलो ठीक है हो गया अरे भावेश मेरी आवाज आ रही है नोट कर लो आराम से और ये सलोनी माइनस एम लगेगा क्या सी सी एल थ्री में अरे माइनस एम क्या रेजोनेंस कह दो रेजोनेंस लग रहा है ये हो गया सी का नेगेटिव चार्ज और ये जो ट्रांसफर होगा किसमें क्लोरीन के एंड डी ऑर्बिटल में ये क्लास में कराया क्वेश्चन है से मेरे जबकि यहाँ पे एप के पास बेकेंट ऑर्बिटल नहीं है तो क्या करेंगे माइनस आई लगाएंगे मतलब यहाँ पे रेजिडेंस हो रहा है यहाँ पे रेजिडेंस नहीं हो रहा है और रेजिडेंस इफेक्ट लग जाएगा किसमें ए में ज़्यादा किसमेंडी हो जाएगा बी से और कोई डाउट कॉपी हो गया क्या हो। चलो सर वहां पर कॉन्जुकेशन क्यों नहीं शो हुआ क्रॉस वाला और कॉन्टीन्यूस वाला किस वाले अच्छा उस वाले में इसकी बात करो क्योंकि दोनों साइड से माइनस सेम लग रहा है तो यहाँ पे कोई क्रॉस और कोई कंटिन्यूस नहीं होगा इसी भी बात की बात करो ना क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व की बात कर रहे हो ना सिद्धेश तो बेटा यहाँ पे तो दोनों साइड माइनस सेम लग रहा है कोई भी खींच लेगा कोई फर्क नहीं पड़ता है ना लेकिन अब देखो यहाँ पे अंतर है भाई दोनों सेम ग्रुप थे यहाँ पे एक दोनों अलग अलग हो गए तो अभी बात है ना कि ये तो मूव कर सकता है ना बट यहाँ पे केस अलग है भाई यहाँ पे तो और यहाँ पे तो क्रॉस कंडीशन रही है रहा नहीं ना वो तो लॉजिक अलग हो गया था क्वेश्चन चेंज किया ना वो मैंने H निकाल के किया तो यहाँ पे क्रॉस कंडीशन थोड़ी लगा रहा हूँ मैं कहीं पर समझ में आया ना चलो ठीक है कुछ डीपीपी फिफ्टीन कंप्लीट हमारी सिक्सटीन पे आ जाओ वन टू फाइव अरे अरे थोड़ा सांस लो थोड़ा सांस सा लो चलो भाई क्वेश्चन नंबर अरे वन टू फोर फाइव अब सिक्स से टेन अच्छा सिक्स से टेन क्या है सिक्स से टेन तो है ही नहींवन अरे बस सेवन में सबको डाउट है मुझे पता है सेवन तो डाउट हो गई जबकि सबसे ईजी सेवन क्वेश्चन है ये तो बस लॉजिक ना लगाने माने का ही रीजन है देखो पहला डाउट जिसको जिस बंदे को है ना जिसको भी हो वैसे देख देख लेता हूँ मैं किसको है वैसे प्रणव को है क्वेश्चन नंबर वन डाउट वो एक चीज नहीं ध्यान रख रहा है उसने क्या सोचा होगा मैं बताता हूँ उसका आंसर कि सर बी को तो कम होना चाहिए ए से क्यों प्रणव बात सही है ना प्रणव बेटा बात यही है ना आप यही दिमाग लगा रहे हो ना कि हाँ तो यदि तुम्हें इतना पता है तो तो फिर तुम्हारा तो आंसर आ जाना चाहिए था कि बी देने होगा। बात है ना भाई बी आर मोर बिंग नहीं है यार जब पता है तो फिर क्यों डाउट बना रहे हो उसको भाई भाई यहाँ पे तो रिंग ही नहीं है तो यहाँ पे तो ये एलिफेटे का माइन है ना ये क्या है दोनों एलिफेटिक अमाइन है और आपको पता है कि वो अपना एस आई पी लगता था वो किसमें लगता था अमाइन में लगता था तो बस ठीक है ना बी ज्यादा हो गया ये से इसमें आ जाओ ये ऐसा हो जाएगा जिसको क्वेश्चन नंबर वन में डाउट ही उसको टू में डाउट होगी क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा था क्या एलिफेटिक क्या एरोमेटिक समझ में आ गया ना आदित्य खलगार अब एक्चुअली यहां पे एरोमेटिक है और एरोमेटिक में लगेगा यहाँ पे एस आई पी और आपको पता है एस आई पी यदि लगता है तो बेसिक कैरेक्टर को क्या करेगा वो कम करेगा हो गया कम भी और एक किसके लिए है ये कंसेप्ट होता है एरोमेटिक अमाइन के लिए अब आ जाओ इस वाले थर्ड क्वेश्चन में भाई इसका लोन पेयर तो कॉन्जुगेशन में जाएगा ही जाएगा अच्छा थ्री डाउट नहीं है यार अरे मैं भी अब एक सब पूछ लेते हो तो लगता है सभी बता दिए जाएं एक तो छोड़ देते हो सोचता हूँ मैं क्यों छोड़ दू फिर क्वेश्चन नंबर फोर में ऑक्सीजन ये है और ये है भाई अमोनिया अमाइंस देखो अब इसका क्या करो सुनो बेसिक एक बताना है, तो पहली डाउट तो आते बच्चों को ये होगी सर लोग उनके ज्यादा है तो बेसिक ज्यादा होगा लेकिन एक चीज सुनो जब आप ऐसे अंदाज ना लगा पाओ तो जब एटम अलग अलग होते तो इनके बनाया करो क्या इन इन दोनों के बनाओ कॉन्जुगेट एसिड बनाओ इनके तो पहले तो मतलब दोनों को प्रोटोन गेन करा दो पहले तो आप मैंने पहले वाले को प्रोटोन गेन कराया तो बनेगा ये और जब दूसरे वाले को मैंने प्रोटोन गेन कराया तो बनेगा ये अब मुझे ये चीज बताओ ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज स्टेबल होता है कि नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज स्टेबल होता है एन पर स्टेबल होगा जब एन पर स्टेबल है तो आप समझ हो गए हो कि भाई ऑब्वियस बात है बी आर मोर बेसिक देन ऑफ ए होगा कि नहीं होगा फिर जिसका कॉन्जुएट एसिड स्टेबल होगा उसका बेस क्या होगा स्ट्रॉन्गर होगा ना समझ में आया क्या ये बेटा वैसे अब बस चलो फिफ्थ डाउट नहीं है वो समझ गए अच्छा समझ गए क्या बात है आदित्य मतलब वेरी गुड बेटा किसी और बच्चे को डाउट तो नहीं है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में वैसे आदित्य कोई डाउट थी ना केवल अच्छा श्रेयस कुलकर्णी को डाउट है देखो श्रेयस ये तो बहुत अच्छी लॉ देखो ये हुआ लोन पेयर अरे पृथ्वी बेटा देखो ना ये लगाएगा क्या माइनस एम लगाएगा ना साइड से ठीक है और यहाँ पे अब जरूरत तो नहीं है इसे आगे बताने की वैसे माइनस एम बेसिक कैरेक्टर को क्या कर देता है कम कर देता है और जब कम करेगा तो बहुत कम कर देगा ना एच कंपेयर टू उसके क्योंकि इसका लोन पर कंजुगेशन में है ही नहीं ना डबल बॉन्ड ओसी पे कंजुगेशन में ही नहीं है जब कंजुगेशन में नहीं हुआ तो ऑबियस बात है कहीं जाएगा भी नहीं तो आप क्या दोगे बी यार मोर बेसिक देना फिर ना चलो अब आजाओ सबसे सब की डाउट थी क्वेश्चन नंबर में मुझे पता है, पर है, तो, में तो हो नहीं सकते ना वो कभी भी ये तो आप मैंने आपको ब्रेड लिखा ही था ब्रेड रूल लिखाया था जब कोई ग्रुप ब्रिज हेड पर होता है तो वो सो नहीं करता है तो ऑबियस बात है ना इस वाले केस में सेवेंथ के लोन पेयर है और यहाँ पे ये दो एन है एक एन दूसरे एन के लिए माइनस आई की तरह काम करेगा कि नहीं करेगा कोई भी एक एन दूसरे एन के लिए माइनस आई काम करेगा जबकि यहाँ पे तो सारे सी एस थ्री या सी एस टू है तो वो तो इलेक्ट्रॉन देते रहेंगे ना सैन को तो ऑब्वियस बात है ए ज्यादा एसिडिक होगा ना बी वाले से कि नहीं होगा बताओ मुद्दे की बात समझ में आई क्या एक एन दूसरे एन के लिए माइनस आई लगाएगा मतलब वो इलेक्ट्रॉन को खींचना शुरू कर देगा जबकि यहाँ पे ए में ही नहीं इलेक्ट्रॉन खींचने की अच्छा मुझे चलो इतने डीपीपी सॉल्व हो गए तो अभी चीज आप लोग बताओ पहले तो कि कॉन्फिडेंस आया या नहीं आया जीओसी में अंदर अब इतनी डीपीपी लगाने के बाद काफी बढ़ गया है आ रहा है सिदे कहाँ तक पहुंचा तुम कह तो रहे आ रहा है मतलब कहाँ तक पहुंचे अभी तक अच्छा अच्छा परसेंटेज करोगे आखिर का डीपीपी सॉल्व करने के बाद मॉड्यूल सॉल्व करना बहुत इजी गया वो तो ऑबियस बात है यार डीपीपी क्यों लगवाई जाती है इसलिए लगाई जाती है कि आपको आगे चल के जो प्रॉब्लम्स है ना थोड़ा आसान लगे अब तो मजा ही आ रहा है चलो बढ़िया है मतलब समझ में आ गई जीओसी सबको अब। अच्छा मैंने जो कहा था वो पढ़ के देखा तुमने तो शायद हमारे ख्याल से वो भी डाउट खत्म हो गए होंगे सारी है ना जब रिवाइज किया होगा एक बार दोबारा तो हर चीज क्लियर हो गई होगी कि हाँ कहाँ से क्या है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बस ऐसी बेटा रिवाइज करते रहो ना बहुत आसान होगा जियो सी अरे सिद्धेश मलाई लगाना शुरू कर दिया ना सुबह सुबह वैस से अरे सर आपने जो सिखाया है मतलब अच्छी बात है मैंने सिखाया है बट तेरे पढ़ने से नंबर आएंगे तेरे भाई मैं तो अच्छा सिखा रहा हूँ कोशिश पूरी कर रहा हूँ मैं ट्राई कर रहा हूँ लेकिन यदि तुम लोग भी अपनी तरफ से ट्राई करोगे ना तो और अच्छा होगा नहीं, समझ रहा अच्छी बात है वेरी गुड जितना परसेंटेज मेरा है उतना परसेंटेज आपका ही हो गया ना तो तो आप डबल हो गए मतलब मॉड्यूल सब निपटा लो आप मॉड्यूल वॉड्यूल यू एम एस एम एस सब एकदम स्टैंडर्ड तरीके से अभी रह गया जीओसी बेटा समझ में आया ना अभी पूरा भी नहीं हुआ हम्म डीपीपी नंबर 16 फिनिश हो गई हमारी चलो अब आ जाओ 17 पर बताओ भाई डाउट नंबर वन टू फाइव एक तो पहली डाउट हो जाएगी अरे फर्स्ट सॉल्व हो गया वेरी गुड की डाउट थी ना वन नंबर हम्म और वन एंड फोर सिक्स से टेन इलेवेन से फिफ्टीन नाइन एट ट्वेल्व फिफ्टीन और कुछ बच बच क्या हो कुछ और तो नहीं है थर्टीन चलो भाई क्वेश्चन नंबर देखो वैसे एक लॉजिक बताऊं मैं आपको मतलब अभी सिखाने वाला हूँ वैसे तो बेसिक का जरूर खत्म हो गया लेकिन अभी एक टॉपिक मुझे और सिखाना बाकी गया अभी भी मुझे देखो यहाँ पे जो आप लॉजिक लगाओगे वैसे सब लोगों का आंसर आना चाहिए था क्या ए मोर बेसिक होगा बी से देखो वैसे पूछा नहीं अलग बात है लेकिन मैक्सिमम बच्चों को सबका ए मोर बेसिक होगा बी से ये स्टूडेंट का आंसर है बट मेरा आंसर जो है ना वो यहां पे होगा ये होगा बेटा कि बी आर मोर बेसिक देन ए ये सर का हो गया अब वो एस आई आर मत लगा देना हाँ ये मेरा आंसर है ठीक है रीजन सुनो ध्यान से क्योंकि अभी रीजन के बारे में अभी तक ना आपने पढ़ा है ना ही सुना है और मैं अभी सिखाऊंगा आगे चल के अभी आपको भी यहाँ पर मैं मानता हूं कि ये सी एस जो है ना वो बेसिक एक्टर को बढ़ाएंगे क्योंकि यहाँ पे बंद कर लो बेटा कैमरा बंद कर लो है ना अब क्या है ना वो फिल्म सिटी ना यूपी में भी आने वाली है मुंबई से ना इसलिए अभी अपना टैलेंट बचा के रखो काम आएगा कौन था वैसे देखो ये इथाइल है अच्छा अच्छा तिलक हाँ अधिकतर इसका तिलक का ना खुल जाता है मतलब कैमरा ना बहुत ज्यादा शौक है मतलब एकदम कैमरे के सामने आने का मतलब अच्छे नंबर लाओ यार मतलब फिर अखबार में फोटो वोटो तो निकलवाएंगे तुम्हारी ग्रेविटी में अपने साथ खड़े होके ना एकदम बिल्कुल फ्रंट पर एकदम तिलक मेरी आवाज तुम तक पहुंच रही हो तो समझ में आ रहा है ना मानस अच्छा गेन करो फोटो डलवाएंगे हाँ देखो तो यहाँ पे तीन इथाइल हैं जबकि यहाँ पे तो बेटा आपको मैंने पहले बता दिया कि ये ग्रुप जो माइनस आई इसकी साइड लगा रहे हैं कम कर रहा है जबकि बढ़ा रहा है लेकिन यहाँ पे वर्ड आता है हिंड्रेंस हिंड्रेंस। तो यहाँ पे जो लॉजिक होता है आप क्या कह सकते हो कि ड्यू टू हिंड्रेंस ड्यू टू हिंड्रेंस लेस प्रोटोनेशन ऑफ ए क्योंकि यदि यहाँ पे H प्लस एड होने को आएगा तो ये इथाइल जो है उसको रिपेल कर देंगे ना इसको और जब रिपेल कर देंगे तो जब प्रोटोनेशन ही नहीं होगा तो क्या ये एज अ बेस काम करेगा क्या ये अरे मैं जवाब पूछ रहा हूं नहीं करेगा ना बट एज आ बेस काम श्रेयस जयेश प्रथमेश ठीक है ना ठीक है आगे बढ़े देखो इस क्वेश्चन को इस वाले को देखो ध्यान से ये भी एरोमेटिक अमाइन है और ये भी एरोमेटिक अमाइन है ये लोन पेयर रिंग में जाएंगे इसके लोन पेयर भी रिंग में जाएंगे बट यहाँ पे क्या लगेगा आपका एस आई पी लगेगा इस वजह से ये अपने आप ज्यादा हो जाएगा इस वाले से ना किसका था क्वेश्चन नंबर फोर डाउट सीरियस कुलकरणी का डाउट था क्वेश्चन नंबर फोर क्यों सीरियस अरे हंसने के लिए तो बहुत हा 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 आ रही थी आवाज सीरियस तुम्हारी अब तुम रिप्लाई नहीं कर रहे हो मतलब कूल करनी। इस समझ में आया क्वेश्चन नंबर फोर तो जवाब ही नहीं रहा अरे क्वेश्चन नंबर फोर समझ में आया है क्या प्रथमेश अरे मेरी आवाज आ रही ना आप लोगों तक क्वेश्चन नंबर एट रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे फिर गधे लोग हाँ चलो ठीक है ठीक है तुम लोग करो ये गधे निकल लिए लग रहा है हम्म भाई शायद आयुष क्या कहना चाह रहे हो डरे हैं शायद अरे नहीं नहीं डरने की बात नहीं यार यहाँ डरने की बात थोड़ी है इतना एंटरटेनमेंट होके पा रहा हूं तब भी तुम डर रहे हो मतलब है डरना बिल्कुल नहीं है ठीक है ना इंजॉय से पढ़ना है बेस्ट करना है क्योंकि हम लोग को है ना सबके लिए कह रहा हूं मैं तो ऐसा बताओ क्वेश्चन नंबर एट वाला एट का आंसर बताओ जल्दी से एट किस किस का डाउट है वेरी गुड ये ज्यादा होगा इससे पता है ना क्यों क्योंकि एस आई पी लगेगा यहां पे। क्या बात है सिद्धेश क्वेश्चन नंबर नाइन देखो नाइन आ गया अब तो बताना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर नाइन बताओ अच्छा मुझे तुम ही लोग बता सकते हो नाइन में कौन सा सही होगा यहाँ पे क्या लगेगा स्टेरिक जबकि पे तो कुछ नहीं लगेगा ना और लगाने को तो प्लस आई लगाओगे तो इलेक्ट्रॉन दे देंगे सारे सी एस थ्री यहाँ से ये यह हो जाएगा ये क्वेश्चन जो है ना अभी करवाया था मैं फिर बता देता हूँ इस तरीके का यहां पे जो वो है ना ये क्या लगाएगा बेटा माइनस आई लगाएगा ना बट एक चीज गौर करो इसमें काफी दूर है ये है ना आप सोचो ना ये एसपी टू हाइब्रिड नाइट्रोजन है एक दो तीन चार एसपी हाइब्रिड हाँ एसपी टू हाइब्रिड नाइट्रोजन की तो ये क्या है एसपी थ्री हाइब्रिड नाइट्रोजन है तो आपको बताया था ना विच आर मोर बेसिक से एस पी थ्री हाइब्रिड नाइट्रोजन ज्यादा बेसिक होगा sp2 टू हाइब्रिड नाइट्रोजन से यही बताया था मैंने ओके okay. मतलब ये इधर लगा दो और नीचे आ जाओ क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व में ओहो, ओहो देखो बताएगा क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व कौन सा सही है मतलब विचार ये sp2 टू हाइब्रिड कार्बन पर निगेटिव है यहां एस पी थ्री हाइब्रिड पर निगेटिव है बताओ आंसर क्या होगा विच आर मोर बेसिक डाउट है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व बेटा बेन्नी रिंग के ऊपर प्लस माइनस दोनों ही अनस्टेबल होते हैं ऐसा तो मतलब इजी है ना समझना भाई ये सिंपल सी बात है एसपी थी कार्बन तो निगेटिव बहुत जल्दी देगा आपको पता है स्टेबिलिटी के होता है बेस से याद करो लगाओ अपने दिमाग पे जोर डालो थोड़ा सा सलोनी पुरवाशनी आपको ये चीज सिखाई थी मैंने कि लेस स्टेबल मतलब बेस एसिडिक स्टेबल पे जाता है और कंपाउंड की बात जब होती है तो जैसे अनस्टेबिलिटी पे होता है ना तो एसपी थ्रियावेट कार्बन पर नेगेटिव चार्ज क्या है अनस्टेबल है अनस्टेबल है तो मोर बेसिक होगा एनी डाउट थर्टींथ क्वेश्चन पे आ जाओ देखो यहां पे भी कॉन्जुगेशन जा रहा है और यहां पर भी कॉन्जुगेशन जा रहा है तो ये तो चीज दोनों में बराबर हो गई ठीक है ना तो अब हम दूसरी बात कर लेते कौन सी स्टेबिलिटी की नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर अनस्टेबल है जल्दी से बोलो ओ या सी सी के ऊपर अनस्टेबल है तो मतलब ये मोर बेसिक होगा कोई डाउट नहीं है डाउट वेरी गुड क्वेश्चन नंबर 15 hmm. देखो यदि याद करो थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो एक्सप्लेन थर्टींथ क्वेश्चन अगेन अरे स्टेबिलिटी देख ले भाई अरे बेसिक कैरेक्टर प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी कार्बन पर निगेटिव अनस्टेबल होता है ना देखो ये गु, गुना डायन पढ़ाया था मैंने आपको कु, कुछ स्ट्रक्चर दोनों सेम तरीके के हो गए हो गए ना तो जब दोनों चीज सेम हो गई ना तो फिर दिमाग कहाँ पे लगाओगे जो एक्स्ट्रा अलग दिख रहा है तुमको वहाँ पे दिमाग लगाओगे ना और जब मैंने एक्स्ट्रा दिमाग लगाया तो ऑब्वियस बात है ये माइनस एम शो करेगा और ये करेगा माइनस आई शो करेगा ये तो आपको पता है ना सी का हेलोजन का माइनस आई लगता है तो आंसर क्या हो जाएगा फिफ्टीन का माइनस एम बी सी कैटर क्या करता है बहुत ज्यादा कम कर देता है तो मतलब अच्छा अब देखो ये एक नया डाउट आया है सलोनी प्रवासी तरफ से कि सर सी एस टू में इक्विलेंट रेजिडेंस होता है बेटा करके देखो ना इक्विलेंट रेजिडेंस क्या होता है कैसे बताओ सी एस टू में कैसे हो सकता है इक्विलेंट रेजिडेंस इक्विलेंट रेजिडेंस जानती हो होता क्या है आपने कह तो दिया इक्विडेजनेंस मतलब होता है पता है ना कहा कैसे लगाते इक्विडेजनेंस सेम स्ट्रक्चर फिर से बनेंगे अच्छा उसको कहते हैं हाँ सही बोल रहे हो तो क्या सेम स्ट्रक्चर फिर से वैसे बन जाए मतलब ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर इक्वल है क्या वो आपकी बात से मैं एग्री करता हूं कि सर हमेशा निगेटिव चार्ज कार्बन पर ही आएगा बट बेटा इसको कहते हैं मतलब रेजेंस के बाद भी स्ट्रक्चर देखने में बिल्कुल एक जैसा लगता रहे मुझे देखो ये है बात मेरी क्लियर हुई क्या जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आफ्टर रेजोनेंस स्ट्रक्चर को सिमिलर दिखता रहे ये है equivalent. और आपकी बात भी है कंडीशन बट इस कंडीशन के साथ देखना पड़ेगा कि नेगेटिव चार्ज सेम एलिमेंट पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है इस कंडीशन पे नहीं लगाओगी आप सदोनी बेटा समझ में आया क्या आवाज नहीं आ रही थी सर मेरी आवाज नहीं आ रही थी मैं ये कह रहा था बेटा ये हैं दोनों ठीक है ना ये नहीं होगा अब थोड़ा तो इसको इसका सलो नहीं बेटा देख लो ध्यान से समझ रही हो ठीक है हाँ अरे यार अब मैंने हटा दिया कहे फोर्टीन डाउट है यार अब रुक जाओ भाई रुक जाओ दिख रहे ना फोर्टीन डीपीपी दिख रही है क्या प्रणव डीपीपी सेवेंटीन का क्वेश्चन नंबर फोर्टीन दिख रहा है तुमको हाँ ठीक है बेटा इसमें क्या डाउट है बताओ मतलब यार ये सेम चीज है ये भी सेम है रिंग सेम है ये सेम है एक्स्ट्रा चीज ये लग गई वो भी कैसी लग गई प्लस एम वाली मतलब इलेक्ट्रॉन दे रही है तो बेसिक एक्टर बढ़ाएगी ना मतलब बी ग्रेटर देन ए आएगा कि नहीं आएगा पीपीपी नंबर एटीन वैसे क्वेश्चन ही कम होंगे इसमें तो बेचारे केवल अच्छा डीपीपी एटीन डिफिकल्ट थी ओफ ओ ठीक है बताओ पहले के पहले के पार्ट में बताओ पहले क्वेश्चन में कौन कौन से डाउट है सारे डाउट है क्या थर्ड और बस हमें लगता है रहने दो मैं ही बता देता हूँ सारे है ना नहीं 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 बिल्कुल तकलीफ ना करो तुम लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूं मैं एनी प्रणव दिमाग नहीं लगाओ तुम ज्यादा मैं सॉल्व कर रहा हूँ सारे क्वेश्चन है ना हाँ मतलब समझ गया हूँ मैं मतलब तुम लोग क्या चाहते हो तो परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है चलो भाई देखो ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं और सॉल्व कैसे किए जाते हैं वो समझ लो है ना जैसे बोला मैंने वो कह रहा विच नाइट्रोजन मोर बेसिक मतलब यहाँ पे दो नाइट्रोजन है ए नाइट्रोजन और बी नाइट्रोजन है इन दोनों मुझे बताना है कि बेसिक ज्यादा कौन सा है ठीक है तो समझो मेरी बात कि पोजीशन पर एन का लोन पेयर है और इस पोजीशन पे एन का लोन पेयर है ठीक है और ये रिंग यहां पे इस तरीके से अवेलेबल है एजूम कर लेते हैं यहां पे अवेलेबल है अब मेरी बात सुनो ध्यान से ये नाइट्रोन का लोन पेयर तो कॉन्जुगेशन में जाएगा ही जाएगा कुछ भी हो जाए चाहे जाएगा कि नहीं जाएगा ठीक है और ये और यहां पे क्या लगाएगा बेटा प्लस आई लगाएगा ना यहां से धक्का मारेगा इसको हाँ बट एक चीज और दिमाग रखो ये कैसा है एस पी थ्री है ये एस पी टू नाइट्रोजन है लॉजिक सुनो, ध्यान से कौन कौन लग सकते हैं यहाँ पे ये यहाँ जाएगा ये यहाँ जा सकता है और ये जब यहाँ पे जाएगा तो अब बात है कार्बन ये बॉन्ड तोड़ के ना ये वाला बॉन्ड तोड़ के यहां भेज देगा और ये रिंग में चला जाएगा इस तरीके से ये पूरी रिंग मूव कर जाएगी आप चीजें गौर करो जब ये नाइट्रोजन का लोन पर कॉन्जेशन गया तो क्या इस नाइट्रोजन के लोन पे कोई फर्क पड़ा क्या नहीं पड़ा ना तो मतलब बेसिक ज्यादा कौन हो जाएगा बेटा बात ना ए मोर बेसिक बी आएगा कि नहीं आएगा क्योंकि इसका तो लोन पे जाएगा ना तो बहुत दिनों बाद लौट के आएगा जब यहाँ से गुजरेगा यहाँ यहाँ जाएगा ये यह पूरा रिंग में रोटेट होगा तब जाके वापस आएगा इस एन का तो इस एन के लोन पे का कोई और वे बाय द वे जिन बच्चों को लगता है सर इसका लोन पे ही तो जा सकता है बिल्कुल जाएगा ये इधर जाएगा लेकिन जल्दी लौट आएगा ना इसके पास और यहाँ लौटने में बहुत टाइम लगेगा ना जिसके पास लोन पे की प्रेजेंस ज्यादा होगी मतलब वो बेसिक एक्टर ज्यादा शो करता है मतलब ए आर मोर बेसिक देन बी आएगा बताओ बच्चों चीज क्लियर हुई या नहीं हुई बे यार एस पी टू एस टू क्या चल रहा है कर रहे हो जब कॉन्जुगेशन होगा तो ये भी एस पी टू होगा और ये भी एस टू होगा हाँ ए और बी का आर चेक कर लो उससे भी आंसर आ जाएगा देखो यहाँ पे अब ए बी यहाँ पे तीन महान पुश दे दिए तो आपको देखो तो क्या समझ में आ रहा है इसका लोन पेयर तो कॉन्जुगेशन में जाएगा और इसका भी जाएगा लेकिन इसका नहीं जाएगा ना तो बी तो ज्यादा बेसिक हो जाएगा अब बात करो किसकी ए और सी की बात करो भाई आप सोचो ध्यान से ये यहाँ पे एरोमेटिक बनाएगा मतलब ये जिन, रिंग में जाने के बाद ही रिंग एरोमेटिक बनेगी मतलब ये तो हंड्रेड परसेंट जा रहा है जबकि ये थोड़ी देर में जाएगा और समझ गए ना मेरी बात मतलब बी ए और सी आएगा So, मतलब जिस नाइटन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है वो ज्यादा बेसिक होगा ये लॉजिक लगाना और बेटा यही तो लॉजिक लगाना है जिस पर डेंसिटी ज्यादा वो वो मोर बेसिक बेसिक जिस डेंसिटी कम लेस सेकंड फिर से बताएं देखो यार देखो बी ज्यादा है तो किसी दिक्कत है ही नहीं पहली बात इसको इसको देख लो बस केवल है ना इसको मैं दोबारा समझाता हूँ देखो क्या है ये रिंग से बाहर आपको पता पता था ना जब रिंग में होता है ना एन तो वही लोन पे जल्दी ही डोनेट कर देता है और जब ऐसा हो जाएगा तो अभी इस बात है सी का लोन पे तो बहुत जल्दी भाग जाएगा ना एन से दूर इस वाले में देखो थर्ड में ए ग्रेटर बी होगा क्या थर्ड में देखते हैं बेटा थर्ड में ए ग्रेटर बी होगा कि नहीं होगा देखते हैं देखते हैं आप देखो सुनो इस ग्रुप के लिए ये पैरा पे है किस पर है ये पैरा पे मतलब पैरा पे माइनस एम लगा सकता है ना इलेक्ट्रॉन खींच रहा है ये और जबकि इस एनएस टू के लिए मतलब मैं एक काम करता हूँ मैं अलग क्लास से देता हूँ जिसमें और भी चीज क्लियर हो जबकि इस एन एस टू के लिए ना ये मेटा पोजिशन पर है ये तो माइनस आई लगाएगा यहाँ से तो बेसिक एक्टर कौन सा कम कहलाएगा माइनस एम वाला कम करेगा कि आई वाला कम करेगा मेटा वाला कम होगा ना मतलब ऑब्वियस बात है बी आर मोर बेसिक देन ए ना समझ में आया क्वेश्चन मतलब कितने लॉजिकल हैं और कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं मतलब क्वेश्चन की क्वालिटी क्लियर हो रही होगी ऐसे क्वेश्चन आते हैं आईआईटी में ठीक है ना माइनस एम है तो फिर मोर एसिडिक होगा मोर एसिडिक अब गए बेसिक बता रहा है कि एसिडिक बता रहा है माइनस एम बेसिक एक्टर को कम करता है सीरियस करनी अच्छे से समझा कन्फ्यूज यहाँ सा सॉरी समझा कन्फ्यूजन हुआ था वॉइस इज नॉट कमिंग सार्थक बेटा वॉइस तो चली आ रही है है ना और तुम तक शायद फंस रही होगी डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है हाँ मौसम खराब है तो लैग हो सकता है ठंड में कहीं आवाज़ दब जाए चलो आवाज आ रही बेटा क्वेश्चन नंबर फोर एक बार फिर से एक्सप्लेन करो कौन सा कौन सा करूं मैं एक्सप्लेन आयुष थर्ड वाला अरे थर्ड वाले में ए के लिए ऐसे लिख दो ए के लिए सीओ ग्रुप पेरा पोजिशन पे है जबकि बी के लिए सीओ ग्रुप मेटा पोजिशन पर है तो ए की रिस्पेक्ट में ये माइनस एम लगाएगा जब कि में माइनस आई लगाएगा माइनस आई बेसिक कैक्टर को बहुत कम ज्यादा कर देता है बहुत कम कर देता है, और बात है बी आर मोर बेसिक देन ए हो जाएगा आयुष ठीक है दिक्कतें तो नहीं है भाई अच्छा फोर्थ वाले का सेम लॉजिक देखो इसका भी देखो दोनों बिल्कुल बराबर पोजिशन पे है, वो सेम है चाहे ऐसे बॉन्ड बना दो आप जैसे लो ऐसे बना दिए मैंने तो देखो सेम है बट अंतर क्या इसका है ना केवल ए वाले के लिए जो ओ होगा वो मेटा पे होगा और मेटा पे तो माइनस आई लगा रहा होगा जबकि बी के रिस्पेक्ट में ये होगा किस पोजीशन पे पैरा पे होगा तो क्या लगा रहा होगा यहाँ से प्लस एम लगा रहा होगा तो प्लस एम क्या करता है बेसिक एक्ट को बढ़ाता है ना और माइनस आई क्या करता है कम करता है तो ऑब्वियस बात है मोर बेसिक देने आएगा कि नहीं आएगा तो कितनी छोटी छोटी चीजें हैं मतलब समझ में आ रही ना कि मेटा पेरा और के क्या क्या यूज हो सकते हैं अपने फोर्थ वाले में सॉरी फोर्थ हो गया फिफ्थ वाला आ गया देखो ये है दो एन आप बत, ये तो तुम बता सकते हो ना खुद ही फिफ्थ वाला का आंसर तो दिक्कत ही नहीं किसी बच्चे को यार बी वाले का लोन पेयर कॉन्जुगेशन में चला जाएगा और चार्ज निगेटिव आएगा और तो कोई तरीका तो हो नहीं सकता है क्योंकि लोन पेयर ऑलवेज ना मतलब ए आर मोर बेसिक देन बी होगा कि नहीं होगा क्योंकि ये बेचारा सीएससी तो दोनों को ही इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना बताओ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में कोई डाउट हो श्रेयस प्रथमेश प्रणव माया पाटिल सलोनी और भी बच्चे यार अपने मन से कभी कभी हाँ ना बोल दिया करो यार मतलब थोड़ा दिल खुश हो जाता है कि हाँ भाई तुम भी सुन रहे हो मेरी बातें है ना ये गोविंद कौन है गोविंद अरे कभी जवाब दे लिया करो यार है ना यार मतलब टाइपिंग के लिए होगा ना कुछ ना सिस्टम रखे हो ना टाइप करने के लिए भी हाँ सही है सिद्धेश कल्पेश पब्लिक कर दो सर चैट को अरे पब्लिक करने से क्या हो जाएगा यार पब्लिक कर दूंगा तो आधे बच्चे डाउट भी नहीं पूछेंगे शर्म मारे ऐसा ना हो ऐसा कुछ पूछ लिया सब हंसेंगे और, और, और प्राइवेट करता हूँ जिसमें आप लोग अपनी भावनाएं जो है ना आराम से व्यक्त कर सकते हैं मैं ही सुनने वाला हूँ ना कम से कम पब्लिक में हंसी तो नहीं होगी ना हम्म दो बोला थैंक यू सर मतलब समझ रहे हो ना कि कितना ज़्यादा डर रहता है मतलब पब्लिक में बाकी सब्जेक्ट पब्लिक ही होता है तो यार कुछ पब्लिक कर लो हमें क्या फर्क पड़ता है हम पब्लिक कर देते हैं और क्या कर दें पब्लिक कर दें क्या मुझे कोई फर्क नहीं है भाई पब्लिक करो चाहे भाई सब अच्छा कि माय पार्टी सब लोग बोले हाँ तो चलो भाई एवरी वन पब्लिक हम तो वैसे भी डाउट पूछेंगे नहीं नहीं तो मैं मना था कई बार तो आता मना किया डाउट पूछने को हाँ? तो बस तो फिर मना किसी चीज की नहीं बस मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डनरी क्वेश्चन अब मजाक बनने से नहीं डरते ओहोह पब्लिक मजाक बनने से नहीं डरते पब्लिक में बहुत बढ़िया मतलब बेचरम टाइप के हो मतलब है अच्छा आप समझ में आया अरे मैं तो बता शरीफ सा सोच रहा था तुम्हें तो क्या पता तुम बेशरम टाइप के हो यार <laughs> चलो चलो कोई बात नहीं कोई बात नहीं बस ऐसी तो आइडेंटिटी छुपा के रखनी थी अब तुम अब पब्लिक ही बोल रहे हो तो हमें क्या है <laughs> चलो अब देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग आयुष बेटा भू अब कौन है ये छोड़ दो तुम है ना अब एवरी में किया तब भी तुम नहीं बता पा रहे हो देख पा रहे हो कौन है कौन नहीं है अब आसानी तुम चैट में तुम पीछे जाके देख लेना जा। कौन क्या कह रहा था है ना पढ़ाई पे ध्यान दो चैट बॉक्स पे ध्यान मत देना वरना पीछे बैक करके देखो कौन क्या कह रहा था क्वेश्चन नंबर सिक्स अरे नहीं नहीं आयुष पे मजाक कर रहा था तुम सीरियस हो गए यार देखो क्वेश्चन नंबर सिक्स देखो 6 7 8 हो गए सर मत बता अबे यार दो ही बात है ना तुमसे हो गए तो किसी अच्छे से नहीं हो गए। कोई है जिसमें सिक्स सेवन एट ना आया हो सबसे हो गए वाह वाह क्या बात है मतलब इतना ज्यादा एहसान मतलब कि तीन क्वेश्चन तुम नहीं कर करने दोगे मुझको है ना चलो अच्छी बात है नहीं सिद्ध इतना भी शौक नहीं है मतलब बता दीजिए सर है ना आ तुम कर लेना हो। चलो क्वेश्चन नंबर टू विच इज मोर बेसिक एंड वाई देखो यहां तक तो ये चीज बिल्कुल चीज क्लियर है कि देखो ये वाला और ये वाला सिमिलर है सेकेंड भी हो गया ना हम्म हम्म ठीक है ये चीज सिमिलर है ना यहाँ एन किलो लोन है अब आप गौर करो ध्यान से इस बार दोनों ही चीज में ना ये यहाँ पे प्लस एम लगाएगा ठीक है तब तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि ऑब्वियस बात यहाँ सी थ्री है ना तो क्या कोई फर्क पड़ेगा क्या लोन पेयर पे और जबकि हाँ ऑब्वियस बात है सेकेंड वाले जो स्ट्रक्चर है वो कैसा स्ट्रक्चर हो गया बेटा आपका गुड हो गया ना ओना डीन हो गया ये तो ये तो फिर ये ज्यादा हो गया इस वाले से ना हम्म बताओ भाई डीपीपी तो गई खत्म सब तो डीपीपी आनंद आया है नहीं आया मतलब कॉन्फिडेंस लेवल जो एकदम हाई है एकदम है ना रीजन क्या देंगे लेकिन ना, गुडा नाइन है और ये तुम्हारा क्या है गुडा नाइन नहीं है ना तो गुडा नाइन मोस्ट बेसिक मोस्ट बेसिक होगा क्योंकि यार ऑब्वियस बात है ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो बेचारा किसका इस एन का ही खींच पाएगा लो खींच लो और ये एन का खींच पाएगा इससे आगे तो खींच नहीं पाएगा जब नहीं खींच पाएगा तो इसका तो एकदम सेपरेट मस्त रखा रहेगा ना इसके पास हम्म अब आ जाओ वही वाइट बोर्ड पर है ना दो दिन में आज पहली बार व्हाइट बोर्ड निकाली अपन लोग हैं ना दो दिन से डीपीपी डीबीपी चल रही थी हाँ भाई अब ये बताओ देखो हाँ सुनो मेरी बात सुनो ध्यान से अब आपके कुछ टॉपिक बचते हैं जीओसी के पहली बार सुनना ध्यान से एक तो जीओसी के टॉपिक बचते हैं कुछ रिमेनिंग और एम एस चौहान भी सॉल्व करनी है और मॉड्यूल भी सोल्व करना है तो देखो ये तो मैं कराऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में ठीक है इसको करना हो तो अभी मैं कर सकता हूँ यदि किन्हीं बच्चों ने लगाया हो तो मॉड्यूल डिस्कस कर लें आज नहीं एक आध तो एक्सरसाइज हो गई होगी ना एक एक्सरसाइज तो ही हो ही होगी नहीं हुई यार मतलब नहीं लगाया सर नहीं सर मैंने परसों लाई और नहीं सर नहीं सर, नहीं, सर नहीं, नहीं 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 बाकी है थोड़े थोड़े नहीं नो नहीं नो कल मिली बीस क्वेश्चन हुए नो 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 बस बस बस, बस। हम भी कहते नो 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 नहीं लगवाएंगे ठीक है ना आप खुश हो गए देखो पृथ्वी से क्या मतलब सब जा जल्दी छोड़ दो कोई क्या मतलब है रात में बहुत देर तक बैठे थे दे आप देखो ऐसा है तुमने तो रात को बहुत रात को दे जग के लगा लेकिन इतने बच्चों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए जो है ना आज तो सॉल्व नहीं होगा मॉड्यूल है ना तो इसके लिए ना हाँ नहीं मेजोरिटी तो वैसे अरे यार तुम सब नेता हो गए तुम तो यार जीत गए तुम लोग तो है ना तो प्रधानमंत्री चाहे फिर चाहे जैसा हो जाए जो मेजोरिटी पाएगा प्रधानमंत्री वही बनेगा हाँ तो ये नो हो गया मतलब ये मॉड्यूल सॉल्व तो होगा नहीं बट अभी तो मैं नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा नहीं सकता हूँ क्योंकि अब नेक्स्ट टॉपिक जरूर है बट मज़ा नहीं आएगा वो फिर है ना एकदम बीच में डीपीपी फिर लेक्चर मज़ा नहीं आएगा तो सुनो मेरी बात अब अब मेरी सुन लो हंसने की बात तो हो गई खत्म अच्छा अच्छा हमारा तुम्हारा वोट मेरे लिए रहेगा बिल्कुल ओके ओके भाभी है ना रिस्पेक्ट करते तुम्हारी हम देखो यहाँ पे तो क्या बनाओगे तुम हमें वोट देने की बात यार मतलब तो भाभी है ना कि नेक्स्ट लेक्चर में ना हम लोग पढ़ाई करेंगे पहले तो ठीक है और यदि बाय द टॉपिक खत्म हो जाए ऐसा लगता तो नहीं टॉपिक खत्म हो जाएंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में ना हम लोग मॉड्यूल करेंगे सॉल्व कंप्लीट वैसे डेढ़ घंटे में हो तो पाएगा नहीं मुझे, मुझे जानता हूँ इसके लिए तो है ना बट कंप्लीट मॉड्यूल सॉल्व करने की ट्राई करेंगे मतलब एक्सरसाइज मोस्टली एक्सरसाइज वन और एक्सरसाइज टू पे जाना है हमें थ्री पे तक नहीं जाना है केवल हाँ और एक चीज और है मैं वैसे तो कोशिश करता हूँ कि डीपीपी डाल दू मैं कुछ और इंटेक्स क्वेश्चन भी सॉल्व करने है हाँ इंटेक्स भी सॉल्व करना है और मैं जो टॉपिक इसके बाद थे ना बेसिक करेक्टर के बाद वाले ना जैसे बॉन्ड लेंथ बॉन्ड एनर्जी रोटेशन एनर्जी इन सब के भी एक डी पी पी बना कर डालता हूँ मैं मैं आज ट्राई करता हूँ आज या कल में डाल पाऊंगा है ना तो ये भी डाल दूंगा तो इससे फिर आप क्या ना कॉन्फिडेंट लेवल अपना हाई कर लेंगे बात क्लियर हुई ना समझ में आया कि मेरी बात तो आज मैं ट्राई करता हूँ उनकी भी डालने के लिए और नेक्स्ट लेक्चर अपन चैप्टर खत्म करेंगे क्योंकि बेसिक कैरेक्टर का यार बेस और एक याद रखो टोटोमर पढ़ना टोटोमर याद है हाँ एक बार मुझे भी याद दिला देना ऐसा ना हो टोटूमर टोटर हो जाए गायब हो जाए आ, ये याद ला देना नेक्स्ट क्वेश्चन में बहुत और जाना बिल्कुल टोटूमर नहीं कितने क्वेश्चन क्या एक ही आएंगे यार मतलब है मतलब क्या चाहते हो दस बीस भेज हैं क्या उसी के एक क्वेश्चन रहेगा सब टॉपिक करेगा एक बेसिक देखो मैं पहले बता देता हूँ बिल्कुल मतलब एक ब्लूप्रिंट है पेपर का कैसे एक क्वेश्चन एसेटिक का एक क्वेश्चन बेसिक का एक क्वेश्चन टोटोमर का ठीक है कितने हो गए आपके तीन क्वेश्चन हो गए ठीक है और एक क्वेश्चन आएगा किसका एक्टिव मिथाइन का क्वेश्चन आएगा तो हो गए चार ठीक है एटलीस्ट जीओसी से ही चार क्वेश्चन मांगे चलो चार से पांच क्वेश्चन है जीओसी से आपके और यदि आप एडवांस और मिन्स मिला लोगे तो कम कम से 10 क्वेश्चन करीब जाएंगे आपके दस से बारह क्वेश्चन जीओसी से ब्लू प्रिंट बता दिया मैंने है ना ना तो समझ कि क्या करना है मस्त पढ़ के जाना है और नंबर एकदम हंड्रेड परसेंट लेके आना है चलो तो फिर आज ना तुम लोगों को फ्री कर देते हम अभी क्या बात है कहीं जाना वाना था क्या एकदम बिल्कुल तैयार बैठा था तो सर कुछ बोले मैं कहूँगा बाय सर टोटोमर के लिए आयुष्मान लगेगा क्या नहीं बिल्कुल ही लगेगा आयुष्मान बेटा सलोनी तुम पढ़ लो बेटा अब ना कब तक मैं तुमसे कहता रहूंगा कि यहाँ यूज नहीं होगा यहाँ यूज नहीं होगा टाइम निकालो है ना एक्स्ट्रा पढ़ो पर आधे घंटे निकालो चाहे घंटे निकालो लेकिन उसको कवर करो बेटा बैकलॉग को बीच बीच कभी लग जाता है तो मैं भी नहीं कह पाता हूँ आप इतना थोड़ी मैं कहता हूँ यूज नहीं होगा लेकिन समझ ना मेरी बात पर डे हाफ एन आवर निकालो वन आवर निकालो बट उसको कंप्लीट करो बैकलॉग को बाय बेटा बाय आप तो बहुत खुश हो गए तुम लोग तो जल्दी छूट रहे हो मतलब है हम्म চলো 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 আজ এনজয় করলো বাই